तो आज के इस एपिसोड में हम घर बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में। और पिछले एपिसोड में आपको पता होगा कि हमने सामान सारा ढूंढ लिया था घर बनाने के लिए और जगह भी देख ली थी, और लास्ट में हम पे विलेजर्स का अटैक हो गया था। दो विलेजर्स आए थे तो उसने मुझ पे अटैक कर दिया था, और उसके थोड़ी देर ही बाद और भी विलेजर्स आ गए और विलेज पे रेड पड़ गई। तो वो रेड की क्लिप जैसे ही रेड पड़ी, मतलब मैंने फिर वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लिया और वो मैं डाल देता हूँ, देख लो अब आप। और भाई पहली बार विलेज पे रेड पड़ी है हमारे। शिट यार, मैं कैसे ही किसी को क्या ही, मुझे नहीं पता ये इसमें करना भी क्या होता है। तो सबसे पहले जाके मैं बैल बजा रहा हूँ ताकि अंदर भागे, और एक विलेजर यार वहाँ पर मरेंगे ये लोग। ओ भाई शिट, बहुत आगे, ख़त्म, यहाँ पे हम सब ख़त्म हैं। अब ये ज़्यादा नहीं है, मैं जा सकता हूँ। उसको मार रहे हैं, ये मुझको भूलना स्टार्ट कर देंगे। और भाई मैं चला तो गया, पर मुझे भाई इन्होंने बहुत गंदी तरह मारना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं फिर से अंदर आ गया। अभी मैं सो भी नहीं सकता यार। भाई अगर इनकी बस चले तो ये घर तोड़ के भी आ जाए अंदर। और अगर मेरे पास, सच कह रहा हूँ, कुछ भी अगर बढ़िया सा होता ना, बस आप मतलब सबटाइटल्स पढ़ो, रेड डिफीटेड ना, मेरे पास आर्मर। और भाई ये जा क्यों नहीं रहे यार, पता नहीं, देखता हूँ अभी भी है क्या, अभी भी हैं ये, कान से देख लेते हैं मुझको। जाओ यार, चले जाओ यहाँ से। One hour later. अब मैं इनको कूटने वाला हूँ, कूट दूंगा मैं तुमको। अरे मत मारो यार। चलो भाई, एक दो को तो मैंने मार दिया, और वहाँ पे और तो नहीं है ना भाई, और नहीं है। मेरी हेल्थ बहुत ही कम होगी। एक और ओमनियस बैनर मिल गया मुझको। तो चलो यार अब सामान लेके चलते हैं, और सामने वो जो हमने जगह खाली की थी वहीं पे बनाते हैं अपना घर। तो सब सामान सॉर्ट हो गया, और हमने एक अपना क्राफ्टिंग टेबल भी रख लिया है, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें क्राफ्ट करते रहेंगे हम। तो अब जल्दी से चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये एरिया तो काफ़ी होएगा, तो इसलिए हम 10x10 का कर लें। मेरे ख्याल से 10x10 काफ़ी रहेगा। और बेस में हम लगा देते हैं जंगल लॉग, और पीछे से स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से ठीक रहे, नहीं रुको यार, बीच में बनाना है हमने, अगर पीछे भी हम कुछ करेंगे तो 10x10 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। ये वाली साइड छोड़ देते हैं। एट ब्लॉक्स नहीं है तो 8x8 का ही करते हैं फिर। मैं आगे, मैं देख एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लिया मैंने आगे का। वो लगा दिया हमने डोर भी यहाँ पे, और अब ऊपर में मैं सोच रहा हूँ प्लैंक्स लगाऊं। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अपना साइडों की ये बना लेता हूँ पिलर, तो एक और हाइट लेके जाएंगे। ये एक फ्लोर होगा, मैं दो फ्लोर वाला सोच रहा हूँ, तो देखते हैं। चलो
तो अब हमारा ग्राउंड फ्लोर तो लगभग हो ही गया है, तो हमें फर्स्ट फ्लोर का अब करना है काम। ये एक सेकेंड, ये क्या है भाई? यार ये पिलेजर्स फिर से आ गए, मतलब क्या है यार, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? बार बार मेरे ही विलेज में आ जाते हैं ये लोग, अब मुझे ये काम भी नहीं करने देंगे। चलो अभी तो ये लगाता हूँ मैं। जब बेइज्जती है रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ
फाइनली यार घर हो चुका है लगभग कंप्लीट, बस अब अंदर से करना है और पूरा अंधेरा हो गया तो जल्दी से लाइट लगा देते हैं। टॉर्चेस बहुत कम है मेरे पास तो मैं वेस्ट नहीं करनी यार मैंने। और तीन टॉर्चेस तो बस सिर्फ तीन टॉर्चेस बची हैं यहाँ पे। तो लगभग यार हमारा घर तैयार हो चुका है पर इसमें कुछ चेंजेस तो मैं करने ही वाला हूँ। तो अब सबसे पहले यार चीजें ले आते हैं जो जो हमने यहाँ पे लानी है। सबसे पहले बेड लगा देते हैं। अब यार मैं सोच रहा हूँ चेस्ट भी मुझे लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पहले रात हो रही है तो पहले मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट करूँ। हाँ रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया बस एक सेकंड। हाँ ये तरीका मेरे ख्याल से सबसे सही रहेगा। सब चीज़ें यहाँ गिरा देता हूँ अपनी। सब कुछ गिर देता हूँ मैं, रुको ऐसे तो सारा कलेक्ट होते जा रहा है मेरे। हाँ सब चीजें घेर देता हूँ। अरे यार ये क्यों कलेक्ट क्यों होता है ये बार बार, कि जब हम वो तोड़ेंगे ना हमारे पास वही वही सामान आएगा जो उस क्रेट का होगा, तो मैं सारा सामान उसमें जाके रख दूंगा। तो पहले ये वाला फेंक देते हैं उसके बाद वो तोड़ के। बट यार मुझे ये फिर यहाँ नहीं फेंकना चाहिए था क्योंकि वो सामान ही इतना होगा इन्हीं के इसके साथ मिक्स हो जाएगा। लेट्स पर नहीं 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 ये देखो ये कलेक्ट होने लग जाएगा मुझे पता है। तो मैं सारे सामान को थोड़ा बाहर फेंकता हूँ। तो अब यही सामान हुआ है और अब इसको जाके एक बार लगाए जाते हैं उसके बाद फिर अगली तोड़ेंगे और अगली को लगा देंगे। सिंपल पहली चेस्ट का कर लिया हमने, जल्दी से चलते हैं और दूसरी चेस्ट लेकर आते हैं। ये तो ब्लॉक्स वाली चेस्ट है, ये लगभग ही खत्म हो रखी है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तो और यह है तीसरी चेस्ट जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो जल्दी से चलते हैं। वैसे यार डोर्स तो मैं यहाँ के भी तोड़ सकता था पर चलो कोई ना।
एक मिनट, सामान कहाँ गया मेरा? भाई सामान कहाँ है यार? ये मत कहो मुझे कि डिस्पॉन हो जाता है वो, मतलब गया मेरा इतना सारा सामान। शिट यार, उसमें आयरन की स्वॉर्ड थी भाई। मुझे लग रहा गया गया हो गया हो गया हो गया, आज कांड हो गया और गया हमारा सारा सामान गया। चुप, बिल्कुल चुप। गजब बेइज्जती है। शिट यार शिट भाई, सारा सामान चला गया यार। नहीं दिख रहा मुझको तो, बस वही थी, वही है मतलब अपना ये वीट सीड, और कुछ है ही नहीं। चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज अपना पूरा घर बना लिया है, अब अगले एपिसोड में हम इसको डेकोरेट करेंगे और फार्म बनाएंगे, मतलब जैसे शीप फार्म और जो नॉर्मल फार्म होता है जिसमें हम वीट वगैरह उगाते हैं, तो वो भी बनाएंगे अगले एपिसोड में। तो अगर यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लेना ऑल पे सेट, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।